हमारा सोशल सिस्टम है, इसके खिलाफ हमारा समाज है। आइए खालिद भाई से पूछते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर देखा यह गया है, मैं भी उस समाज का एक हिस्सा हूँ, हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं और चले, हम तब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते जब तक कोई पुलिसमैन हमें दिखाई नहीं देता। हम गाड़ी के अंदर बैठने के जो दूसरे कानून हैं, जो हमें लाइसेंस लेते वक्त या हमें ट्रैफिक रूल सिखाते वक्त या बताते वक्त बताए जाते हैं, हम उन्हें नहीं फॉलो करते जब तक कि हमें पुलिसमैन दिखाई न दे। ये हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? इसके पीछे कौन सा जज्बा है या कौन सी कमी है जिसकी वजह से आम इंसान गाड़ी में बैठते ही फौरन सीट बेल्ट नहीं लगाता और सामने आती हुई गाड़ी को देख के ब्रेक नहीं मारता या हॉर्न पहले बजाता है ब्रेक बाद में मारता, ऐसा क्यों है? एक तो बहुत बड़ी जो बीमारी हमारे समाज में आ गई है वो है सब चलता है। ये चीज दूसरे के साथ हो सकती है, मेरे साथ नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। एक्सीडेंट दूसरे के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। मरेगा दूसरा आदमी, मैं नहीं मरूंगा। और यही करते करते एक दिन ऐसा आता है कि जब हम या तो खुद विक्टिम हो जाते हैं या फिर हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो परवरिश है समाज में, और यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि बच्चा आपका बहुत अच्छा कर रहा है, उसने 10वीं या 12वीं पास कर लिया, हम उसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पहले उसको एक हेलमेट दें और फिर मोटरसाइकिल दें। क्या बात है, बहुत अच्छी। मैं आपको बीच में रोक के ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कैसर खालिद साहब ने कही कि मोटरसाइकिल देने से पहले अगर हम अपने बच्चे को हेलमेट गिफ्ट करते हैं, तोहफे में देते हैं, तो हम अपने बच्चे की जान बचाते हैं और उसके हाथों तबाह या बर्बाद या एक्सीडेंट होने वाले लोगों की जान बचाते हैं, उसको जेल या उसको सजाओं से बचाते हैं। प्लीज। दूसरी बात जरूरी है कि गाड़ी जो है एक मीडियम है कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए। आप इसको अच्छे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बुरे ढंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को या हम खुद कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या हमें मालूम है कि गाड़ी सेफ ड्राइविंग के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं? क्या हमने उसका कुछ मुताला किया है या हमने कहीं कोई टेस्ट दिया है या हमने कहीं पर सीखा है? जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का सिस्टम है उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमें मालूम है कि बहुत बार ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलते हैं। मैं उस पर आने वाला था, आपने पहले जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछूंगा बहरहाल जरूर। तीसरी बात और जो मैं समझता हूँ कि परवरिश से रिलेटेड बात है वो ये है कि चूंकि हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं तो उसकी भरपाई हम पैसे देकर करते हैं। मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उसको एक डुकाटी की बाइक गिफ्ट करूंगा ताकि वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सके। मैं आज का वाकया आपको बताता हूँ कि एक साहब लैम्बोर्गिनी ये गाड़ी लेकर ट्रायल के लिए बांदावर्ली सीलिंग पे गए थे। उन्होंने एक मशहूर चैनल के एडिटर के गाड़ी ऑलमोस्ट टक्कर मारी, 200 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे थे ऐसा बताया गया है। अब अगर हम एक ऐसी गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है तो हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अपने लॉ को फॉलो करने का मेयार भी उसी तरीके से उठा दें, बड़ा कर दें, ताकि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करें, ना कि हम खुद किसी मुश्किल और दुश्वारी में फंस करके, जैसे कि आज उन पर केस हो गया, उसके केस को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर ये एक फिक्र आनी बहुत ज़रूरी है। पैसा सिर्फ एक वसीला है, ये कोई शो ऑफ का ज़रिया नहीं है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जब तक चीज़ों को डिसिप्लिन से, एतदाल से, उसके जो तरीके फिक्स कर दिए गए हैं उस हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वो हमको नुकसान देगी। आपको मालूम है कि हैदराबाद में एक बाइक लेकर के दो नौजवान चल रहे थे, डुकाटी, एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, दोनों बच्चे वहीं पे फेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अब मुझे आप बताइए कि अगर हम इन चीज़ों से नहीं सीखेंगे, सबक नहीं लेंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं सीखेंगे और हम खुद नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि 5 मिनट बचाने के लिए हो सकता है कि उम्र का सफ़र ही हमारा ख़त्म हो जाए, एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो एक अपने अंदर जो सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग है, इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही हमको मौका मिले हमने लॉ तोड़ देना चाहिए, रूल तोड़ देना चाहिए। अभी रमन भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन के क्रॉसिंग के लिए है, वो गाड़ी खड़ी करने के लिए नहीं है। हम गाड़ी वहाँ खड़ी करेंगे तो जो क्रॉसिंग करने वाला बंदा है पैदल है और हमसे इस्तेदाद के मामले में उस वक्त तो कमतर है कि उसके पास गाड़ी नहीं है। तो दुनिया का उसूल ये है कि पेडेस्ट्रियन फर्स्ट, पूरी दुनिया में। मैं आपकी बात काट रहा हूँ और ये इसी हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है, हिंदुस्तान से बाहर मैं जाता हूँ, मिडल ईस्टर्न ममालिक में या यूरोपियन ममालिक में, तो वहाँ देखता हूँ कि जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, सिग्नल हो या ना हो, लोग वहाँ पर पैदल लोगों को देख के अपनी गाड़ियाँ रोक लेते हैं और उनको पहले जाने के लिए स्पेस देते हैं, जगह देते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? उसूल तो दुनिया भर का यही है कि पेडेस्ट्रियन को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी किसी भी मोटरिस्ट से। और अभी जैद भाई बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है दीन की, ये है कि जो ज़्यादा
अच्छे इस्तात में है, ज्यादा अच्छे हालात में है, उसने अपने से कमतर हालात वाले के लिए रास्ता आसान करना चाहिए। पूरी दुनिया में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हमेशा एट ग्रेड होगी, मतलब कि वो सीधा सीधा चलेगा और गाड़ी वाला या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, वो अंडरपास से जाएगा या फ्लाईओवर से जाएगा, पेडेस्ट्रियन हमेशा ग्रेड पे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, पहले अंडरपासेस होते थे पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ी ऊपर से जा रही होती, बहुत अच्छी बात। ये दुनिया का उसूल है, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस चीज को यहाँ पे उतना फॉलो नहीं किया है। अभी ये बात चल रही है, अभी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ पे ये बात हो रही है कि कुछ एरियाज को जहाँ पे पेडेस्ट्रियन बहुत ज्यादा आते हैं उसको बिल्कुल वॉकवे बना दिया जाए और वहाँ पे गाड़ियों के आमोदरफ्त को घटा दिया जाए। जैसे CST जंक्शन एक इलाका है, जैसे कुछ मरीन ड्राइव या कुछ इलाके हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो हमको ये बात को समझना पड़ेगा कि पेडेस्ट्रियन हमारे समाज का एक हिस्सा है और हमको उसके बारे में ज्यादा, जिसको कहते हैं जागरूक होना, अवेयर होना चाहिए। मैं सिडनी गया था कुछ दिन पहले, सिडनी में और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम है कि अगर आपको क्रॉस करना है तो वहां पे एक बजर किस्म लगा होगा, आपने उसको दबाया और रेड सिग्नल हो गया, आप क्रॉस कर लीजिए, हमेशा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी समझदारी, हमारे बच्चों की परवरिश, उसके साथ वक्त बिताना और उसको ट्रेन करना और उसको एक जिम्मेदार शहरी बनाना, इससे जुड़ी हुई चीज है। जो फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में, उस फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज ऐसे करना पड़ेगा कि वो लॉ ब्रेकिंग में नहीं हो। अभी मैं दुबई गया था तो मेरे दोस्त ने एक वाकया सुनाया कि एक साहब एक जगह पे था, टर्न था, तो उन्होंने वहाँ पे जो कांस्टेबल था उसको बताया कि मैं अगर ये शॉर्टकट मार लूँ तो क्या होगा। उन्होंने कहा लॉन्ग कट फ्री है और शॉर्टकट जो है 150 दिरहम का है, चॉइस इज योर्स, कि जैसे ही आपने शॉर्टकट लिया 150 दिरहम फाइन हो गया। दुबई में सिंगल जंपिंग का फाइन है 5,000 दिरहम, जी जी, जो कुछ 85,000 रुपए के आसपास आते हैं। मैं पे कर चुका हूँ। तो ये जो मामले हैं ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बच्चा अगर कहीं गलती करता है या हम खुद गलती करते हैं तो हमको खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि भाई मेरी गलती है कि रोड की गलती है। बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन, ट्रैफिक के हवाले से और रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से, ट्रैफिक डिसिप्लिन के हवाले से बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जनाब कैसर। खालिद साहब, कैसर साहब ने हमको बताया कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी परवरिश में हिस्सेदारी होनी चाहिए इस बात की कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने आसपास मौजूद उन लोगों को जो हम पे डिपेंडेंट हैं, जो हमारी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, हम उनको ये बताएं, हम उनको ये सिखाएं कि रोड सेफ्टी क्या है और रोड डिसिप्लिन क्या है।